Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 11, chapter number 5, laws of motion. तो student, previous video lecture में हम discuss कर रहे थे momentum के बारे में, उसके बाद हमने discuss किया था Newton's law के बारे में, Newton's second law के बारे में हम discuss कर रहे थे. तो student, momentum क्या था? तो momentum से हम क्या कर सकते? तो student, momentum क्या था? तो कि mass और velocity का जो प्रोडक्ट है उसको हम मोमेंटम बोलते थे, जिसको हमने मैथमेटिकली कुछ डिराइव किया था पी इक्वल्स टू एम वी से. ओके, मोमेंटम को पी से डिनोट करते थे. ओके, पी इक्वल्स टू एम वी. ये मोमेंटम से क्या हो सकता है? ये मोमेंटम कैसे फिजिकल क्वांटिटी है? तो मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी से, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम, उससे हम कोई बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. ओके, मतलब कोई बॉडी का मोमेंटम हमें जीरो करना हो तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या तो कोई बॉडी को मोशन में लाना हो तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी उससे हमें पता चलता है. उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो कि आपके पास एक कार है और एक व्हीकल है जो ट्रक है. ओके, ये एग्जांपल भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था. अभी दोनों के ऊपर आपको मोशन करवाना हो तो दोनों के ऊपर क्या सेम अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा या डिफरेंट डिफरेंट? ऑब्वियसली ये कार को आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स. ये ट्रक के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको मोशन में लाना हो, उसका डिस्प्लेसमेंट कराना हो. तो देखो कि यहाँ पर मास एक पैरामीटर से, जिससे आप मोशन में लाने के लिए मास एक अपोजिशन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है. मतलब मोमेंटम यहाँ पे जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, मोमेंटम होगा, वो यहाँ पे दिख रहा है. ओके, सेकंड केस में हम देख सकते हैं कि मान लो कि आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, वो फ्री फॉलिंग हो रहे हैं और आपको उसको कैच करना है. तो ये जो इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, तो बड़े वाले मास का जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको कैच करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी रहेगी, क्योंकि उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा मतलब मोमेंटम भी ज़्यादा, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है. ओके, फिर थर्ड एग्जांपल कि मान लो कि आपके पास राइफल है, ओके, गन है, गन से आप क्या कर रहे हो, फायर कर रहे हो बुलेट को. तो ये जो बुलेट है वो आगे कोई वुडन ब्लॉक उसमें पेनिट्रेट हो रही, लेकिन वही बुलेट को आप यहाँ से थ्रो करोगे तो इसमें पेनिट्रेट नहीं होगी. क्यों? तो कि जो बुलेट है उसका मास तो कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा, इसके वजह से मोमेंटम ज़्यादा हो गया. ओके, ये वाले केस में मोमेंटम हम हाथ से थ्रो कर रहे हैं, हैंड से थ्रो कर रहे हैं, उस केस में इसके पास इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा. तो एक्चुअल में मोमेंटम इसी फिजिकल क्वांटिटी, उससे हम क्या कर सकते हैं, फोर्स की अमाउंट कितनी हमें लगेगी, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा, उसका पता चलता है. ओके, तो ये कुछ एग्जांपल थे जिससे आप मोमेंटम को समझ सकते हो. और डे टू डे लाइफ में भी, क्रिकेट का सीजन चल रहा है तो क्रिकेट के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्पिनर आता है, तब जो पीछे विकेट कीपर होते हैं वो स्टम्प्स के नज़दीक आ जाते हैं. ओके, और जब फास्ट बॉलर आता है तो वो विकेट के पीछे चले जाते हैं, काफ़ी दूर चले जाते हैं. ऐसा क्यों? तो कि जब फास्टर बॉलर होगा तो उसके इसमें बॉल की स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ज़्यादा मतलब मोमेंट ज़्यादा, मोमेंट ज़्यादा है इसलिए उसका मोमेंट कम करने के लिए क्या करता हो, हैंड को पीछे की तरफ ले जाता है, तब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने में उनको कुछ टाइम लगेगा. डायरेक्टली ऐसे कैच करेगा तो उसमें हैंड में क्या होगा, उसके चोट लग सकती है, उसको वहाँ पे क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है. डायरेक्टली ऐसा कैच करेगा तब वो, आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेटर जो कैच करते हो, कैच करके हैंड को पीछे ले जाते हैं, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो टाइम कम कर रहे हैं, मतलब वो मोमेंटम को कम होने के लिए कुछ टाइम दे रहे हैं. ओके, क्लियर? चलो, ये मोमेंटम हो गया. इसके बाद हमने डिस्कस किया था न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में. तो सेकेंड लॉ हमारा क्या था, रिकॉल कर लेते हैं. सेकेंड लॉ ये इंडिकेट करता था, मोमेंटम के ऊपर से हम सेकंड लॉ को समझा रहे थे, तो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स, ये था. ओके, प्रोपोर्शनली निकाल के हम क्या करते थे, यहाँ पे कांस्टेंट पुट करते थे, वो कांस्टेंट हमने के लिया था. ओके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और सिंप्लिसिटी के लिए के की वैल्यू कितनी ली थी स्टूडेंट, हमने 1. तो आपका फोर्स का फॉर्मूला आया था एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये इक्वेशन आया था. इस इक्वेशन में हम लिमिट लगा रहे, लिमिट लगा के इसको छोटा वर्जन में कन्वर्ट करें तो एफ इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, टाइम को कम करते जाते हैं, 0 के नज़दीक लेके जाते हैं, तो आपका ये फॉर्मूला डेल्टा पी बाई डेल्टा टी जो है वो हो जाएगा आपका डी पी बाई डी टी. क्लियर? तो फोर्स का फॉर्मूला हो आपके पास एफ इक्वल्स टू डी बाई डी टी. ओके, और पी की जगह पे एम वी, क्योंकि हमें पता है लीनियर मोमेंटम
पी इक्वल्स टू होता है एम वी। ओके, अभी यहाँ पे मास कॉन्स्टेंट है तो उस केस में फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव से बाहर, तो डी बाई डी टी ये वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करो तो आपको क्या मिलता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, फादर इक्वल्स टू मदर, कि न्यूटन भी बोलता है कि मेरे पास क्या है, माँ है, तो एफ इक्वल्स टू माँ आया। और यूनिट हमने लिखे थे यहाँ से, यूनिट था न्यूटन, न्यूटन की मेमोराइज में, और दूसरा यूनिट था के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का, ये मास का, क्लियर। अभी स्टूडेंट फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में दिखा है, तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के ऊपर एरो आएगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से बनता है और वेलोसिटी आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स आपका वेक्टर। इसलिए अभी स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के फॉर्म में दिखा है, तो एक्स के डायरेक्शन में फोर्स लगता होगा, तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स को हम कैसे दिखाएंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए एक्स। ओके, ऐसे भी दिखा सकते हैं, या तो फिर एफ एक्स इक्वल्स टू डी पी एक्स बाई डी टी। ओके, ऐसे ही एफ वाई इक्वल्स टू डी पी वाई बाई डी टी, और एफ जेड इक्वल्स टू डी पी जेड बाई डी टी। ओके, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ब्लॉक है और ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्स में लग रहा है। ओके, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसका चेंज इन मोमेंटम भी किस में होगा, एक्स में होगा, और वाई और जेड वाला जो होगा वो क्या होगा आपका, कॉन्स्टेंट होगा उस केस में। ओके, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम हो रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज मतलब क्या होगा, मोमेंटम चेंज। ओके, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, और बाकी के जो डायरेक्शन है वाई और जेड मतलब बाकी के जो कंपोनेंट है उसके अंदर मोमेंटम आपका क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा उस टाइम पे। जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा तब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, जब मोशन इन टू डायमेंशनल जैसे कि फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो ये फोर्स लग रहा है, तो इसमें एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। ओके, क्लियर। तो ये फोर्स का फॉर्मूला था न्यूटन सेकंड लॉ का, जिसके ऊपर से हमने डिराइव किया था, न्यूटन सेकंड लॉ था ये। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है इम्पल्स। तो इम्पल्स का इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे उसको हम डिराइव कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट इम्पल्स का इम्पोर्टेंट क्यों है, तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि कोई वॉल के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ऐसे कोई वॉल है। ओके, ये रिजिड वॉल है, इसके ऊपर मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूँ ऐसे वी वेलोसिटी से, इसे जाएगा फिर कोलिजन होके वो अपना पाथ चेंज कर देगा इससे। तो देखो कि कोलिजन हुआ यहाँ पे, तो उस टाइम इंटरवल में मतलब जो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है उस टाइम पे आप मेजरमेंट लोगे तो टाइम कितना होगा, और टाइम आपका सेकंड का 100 पार्ट भी हो सकता है, सेकंड का 1000 पार्ट भी हो सकता है। कम टाइम में ये वॉल के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो आपको यहाँ पे ये जो कोलिजन के वक्त ये बॉल वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये बॉडी वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा, कितने टाइम में लगा रहा होगा, मेजरमेंट करना आपके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो कम टाइम इंटरवल में लग रहा है। ओके, जो टाइम इंटरवल बहुत कम है, सेकंड का 100 पार्ट भी हो सकता है, सेकंड का 1000 पार्ट भी हो सकता है, तो ये फोर्स निकालना डिफ़िकल्ट है। तो आपको वेरी वेरी स्मॉल टाइम में फोर्स निकालना होता है, तो कैसे निकाले, तो उसके लिए साइंटिस्ट न्यूटन ने एक न्यू टर्म हमारे सामने डिराइव किया जिसका नेम है इम्पल्स। ओके, तो इम्पल्स क्या है, तो फोर्स विच एक्ट ऑन बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो क्या आप हीटिंग करते हो, ओके, जैसे मैंने बॉल का एग्जाम्पल दिया कि बॉल को आप हीट करा रहे हो वॉल के ऊपर, तो वो टाइम इंटरवल हीटिंग का जो टाइम है वो वेरी वेरी स्मॉल टाइम होता है। जंपिंग करते हो तो आप पैर से लेग से जंपिंग करते हो तो उस केस में आपके पास टाइम भी कम होता है। ओके, डाइविंग कैचिंग फिर किकिंग, ओके, किक लगा रहे हो
उसमें भी शॉर्ट टाइम होता है और उसमें जो फोर्स लगता है वो मेजरमेंट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो उसको मेजरमेंट कैसे करें, तो मेजरमेंट के लिए न्यू थियरी डिराइव की, न्यू एक टर्म डिराइव किया जिसका नेम है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है, तो कि इम्पल्स फाइंड करना हो तो हम लिख सकते हैं इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल या तो टाइम पीरियड, कि वेरी वेरी शॉर्ट टाइम में जो फोर्स लगता है उसको ही इम्पल्स बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये सेकंड लॉ था। ओके, मुझे क्या निकालना है, वेरी शॉर्ट टाइम में जो फोर्स लग रहा है वो, तो उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास फॉर्मूला बन सकता है एफ डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा पी, ये फॉर्मूला बनेगा। ओके, तो ये आपका जो हुआ, ये आपका क्या हुआ, इम्पल्स हुआ। तो इम्पल्स आप फाइंड करने हो तो फोर्स वेरी कम टाइम में लगता है उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। तो ये तो मेज़र करना इम्पॉसिबल है, तो आप क्या मेज़र कर सकते हो, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड कर सकते हो, तो कि इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। ओके, कि इम्पैक्ट हुआ, बाद में वेलोसिटी कितनी हुई, स्टार्टिंग में मास तो आपको पता है, मास तो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें मोमेंटम का जो चेंज है वो फाइंड करके आप इम्पल्स फाइंड कर सकते हो। ओके, तो चलो डेरिवेशन देख लेते इसका। एफ डॉट डी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका डेल्टा पी क्या हो जाएगा, तो कि चेंज है इसलिए हम लिख सकते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ओके, अभी इसमें एफ डेल्टा टी इक्वल्स टू मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल। ओके, मास कॉमन है, निकाल देते हैं। चलो, तो फॉर्मूला बनेगा आपके पास इम्पल्स का एफ डेल्टा टी इक्वल्स टू मास इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये आपके पास फॉर्मूला हुआ, क्लियर। अभी स्टूडेंट यहाँ पे आप मास और वेलोसिटी के ऊपर से इम्पल्स फाइंड कर सकते हो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको पता होती है, उसके ऊपर से आप क्या निकाल सकते हो, इम्पल्स फाइंड कर सकते हो। ओके, इम्पल्स है ही क्या, तो कि जब वेरी शॉर्ट टाइम में फोर्स लगता है वही इम्पल्स है। ओके, और इम्पल्स को रिड्यूस करने के लिए ही तो जो क्रिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ग्लव्स को या तो हैंड को जब कैचिंग करते हैं तो पीछे की तरफ ले जाते हैं। ओके, तो उनको टाइम इंटरवल बढ़ जाता तो वो फोर्स की वैल्यू को कम कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, जो वहाँ पे उनको दर्द नहीं हो इसलिए वो क्या करते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैंड को, क्लियर। तो ये इम्पल्स का फॉर्मूला हुआ। अभी स्टूडेंट इम्पल्स का यूनिट की बात करें तो क्या होगा यूनिट, पहले तो ऐसा यूनिट की बात करते हैं। तो ऐसा यूनिट की बात करें तो ये तो चेंज इन मोमेंटम की तरह ही दिख रहा है। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। ओके, और उसको लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड, है ना। उसके बाद सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट होगा आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, और डाइन इंटू सेकंड भी लिख सकते हो। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, इसके ऊपर से आप लिख सकते हो एम वन एल वन टी माइनस वन, ये डायमेंशनल फॉर्मूला इम्पल्स का। ओके, क्लियर। तो ये हुआ अपना इम्पल्स। ओके, इम्पल्स के बारे में इतना ही। ओके, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सेट टेक्स्ट बुक में 5.3 या 5 वो आप इजीली कर सकते हो, पहले ये नोट कर लो, इसके बाद हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ, के न्यूटन्स के तीन लॉ थे मोशन के रिगार्डिंग। उसके अंदर हमने फर्स्ट लॉ स्टडी किया, जो फर्स्ट लॉ था वो क्या हमें समझा रहा था, कि जब तक कोई बॉडी के ऊपर एफ नेट मतलब मैं एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तब तक जो बॉडी जिस स्टेट में होगा वही स्टेट में रहना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल रेस्ट होगा तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन होगा तो मोशन अपना यूनिफॉर्म मोशन से कंटिन्यू रखेगा, और जिस डायरेक्शन में मोशन करे वही डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ से हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, और फोर्स लॉ ऑफ इनर्शिया हमें मतलब इनर्शिया के बारे में पता चलता है। ओके, कि इनर्शिया क्या था, तो जीत थी, जो कोई स्टेट चेंज होता है उसका अपोजिशन करना, रजिस्ट करना स्टेट चेंज का, तो वो इनर्शिया था। तो वो इनर्शिया को इंडिकेट करता था, फोर्स की डेफिनेशन देता था। लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए फोर्स को मेजर करना हो, तो सेकंड लॉ के ऊपर से हमने देखा कि फोर्स को मेजर करना हो तो हमें चेंज ऑफ मोमेंटम से मेजर कर सकते हैं, कि मोमेंटम के अंदर कितना चेंजेस कराना है, या तो कोई बॉडी को कितना मोशन करवाना है,
कितना रेस्ट पे लाना है, मतलब कैसे रेस्ट पे लाना है, तो कितना अमाउंट का फोर्स लगेगा, तो उसके ऊपर से हमने फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया। न्यूटन सेकंड लॉ जो है आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है, और जो थर्ड लॉ है न्यूटन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, उस थर्ड लॉ के ऊपर से आपको पता चलेगा कि जो फोर्स लगेगा वो ऑलवेज पैर के अंदर ही लगेगा। और वो क्या है, नॉर्मली आप लोअर क्लास के अंदर पढ़ के ही आए हो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्स होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। कि मान लो कि मेरे ये हैंड से मैंने ये बोर्ड के ऊपर ऐसे जोर से मैंने क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाया बोर्ड के ऊपर, मतलब मैं यहाँ से मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, तो बोर्ड भी मेरे हैंड के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट का होगा। यहाँ से आपको दिखेगा कि फोर्स लग रहा है, लेकिन बोर्ड मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, मेरे हैंड के ऊपर फोर्स लगा, और कैसे दिखेगा, तो मुझे यहाँ पे दर्द होगा हैंड के अंदर। तो वो क्या कर रहा है, ये बोर्ड ने मेरे हैंड के ऊपर फोर्स लगाया जो क्या था, रिएक्शन फोर्स था। ओके क्लियर, तो डेफिनेशन देना हो तो दे सकते हो आप कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो नॉर्मल हम लोअर क्लास में इजीस्ट वे में लिखते हैं। दूसरा डेफिनेशन भी है मेरे पास, एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी आप लिख सकते हो अदर लैंग्वेज में। तो स्टूडेंट क्या ये आपका न्यूटन्स लॉ है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखो एक यहाँ पे रिजिड सरफेस है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, मान लो कि ये एक ब्लॉक है एम मास का। तो स्टूडेंट हमें पता है कि ये एम मास का ब्लॉक है, उसके ऊपर ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड में एम जी जितना वेट फोर्स लगेगा, क्लियर। और ये सरफेस कॉन्टेक्ट में हो तो दो बॉडी जब कॉन्टेक्ट में होता है तो उस कॉन्टेक्ट से एक फोर्स लगता है, वो फोर्स कहाँ पे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एन इक्वल्स टू एम जी। तो क्या स्टूडेंट ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, देखो तो दोनों फोर्स लग रहे हैं एम जी और नॉर्मल, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को इंडिकेट करते हैं, आपका आंसर क्या होगा, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके अभी मैं बोलूं कि नहीं ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट तो है, लेकिन न्यूटन्स लॉ को ओबे नहीं करे, ये न्यूटन्स लॉ नहीं है। क्यों, क्योंकि न्यूटन्स लॉ के लिए कुछ हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फोर्स लगते हैं इक्वल एंड अपोजिट, जिसको हम एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, तो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऊपर लगते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे तो mg जो है वो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, एम मास के ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, और रिएक्शन फोर्स है जो नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल फोर्स भी उसी के ऊपर लग रहा है, दोनों फोर्स एक ही बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे जो mg लग रहा है वो mg यही बॉडी के ऊपर लग रहा है, ये वाले ब्लॉक पे ऊपर ही लग रहा है, नॉर्मल फोर्स भी ये सरफेस ये लगा रही है ऊपर की तरफ, मतलब यही ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है जो कि कॉन्टेक्ट सरफेस है वही लगा रहा है, तो मतलब मैं दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, तो ये न्यूटन्स लॉ नहीं है यहाँ पे, ये गलत है। ओके ये न्यूटन्स लॉ का एग्जाम्पल नहीं है। ओके क्लियर, तो ये वाला केस में आप गलत फहमी मत रहना कि यहाँ पे आपका न्यूटन्स लॉ होगा, कि यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ है ये। ओके न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं है ये स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल एम जी फोर्स और उसको बैलेंस करने वाला नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो एक ही बॉडी के ऊपर लग रहा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए आपको ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, तीन पॉइंट आपको याद रहनी चाहिए। तो फर्स्ट जो नोट है वो पढ़ो तो, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, ये यहाँ पे तो है ही नहीं। एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये हैंड से बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये बोर्ड के ऊपर जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो मेरा एक्शन फोर्स है, और सामने से बोर्ड मेरे हैंड के ऊपर लगा रहा है वो कौन सा है, रिएक्शन फोर्स है। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऊपर होता है। तो आपको डायग्राम से थ्रू सिखाऊँ तो कुछ इस तरह से होगा कि मान लो कि ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं वी वेलोसिटी से, कोलिजन होंगे ए और बी के बीच में, तो एफ बी ए जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके एफ बी ए इस डायरेक्शन में, और एफ ए है जो इस डायरेक्शन में होगा। ओके एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगेंगे इससे, जो इक्वल एंड अपोजिट इक्वल एंड इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ओके जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स एफ ए, मतलब में ये क्या है, फोर्स ऑन ओ ए ड्यू टू बी, मतलब में फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू बी बॉडी इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी बॉडी ड्यू टू ए बॉडी। ओके दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो हम माइनस की यहाँ पे साइन रख सकते हैं, क्लियर। तो दोनों जो फोर्स है ये एक्शन होगा तो ये रिएक्शन फोर्स,
दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऊपर लग रहा है। देखो बॉडी ए के ऊपर बी ने फोर्स लगाया, वैसे बी बॉडी के ऊपर ए ने लगाया। इसको रीड कैसे करते हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू बॉडी बी, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ओके, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे माइनस की हमने यहाँ पे साइन रखी हुई है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, तभी और न्यूटन्स थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड जो स्टेटमेंट है कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर। ओके, एक्शन एंड रिएक्शन जो पेयर है पेयर में ही क्रिएट होंगे, कि मैं यहाँ पे हैंड से ये बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ एक्शन फोर्स, तो सामने वो रिएक्शन, मतलब मैं कभी भी सिंगल फोर्स नहीं आएगा, वो पेयर के अंदर ही आएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल के अर्थ के ऊपर मान लो कि ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दे, वो डाउनवर्ड में ही आता है। डाउनवर्ड में क्यों आता है, तो कि एम जी फोर्स लगता है, ये अर्थ है। ओके, एम जी फोर्स लगता है क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस के वजह से वो डाउनवर्ड में मोशन कर रहा है। तो मतलब मैं ये अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये स्टोन है या कोई बॉडी है वो भी उस अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा? ऐसा क्वेश्चन न्यूटन को भी पूछा गया था, लेकिन न्यूटन ने उसी टाइम पे एट द टाइम उसने आंसर दिया था कि नहीं, यहाँ पे अर्थ स्टोन के ऊपर फोर्स लगाएगा तो स्टोन भी अर्थ के ऊपर लगाएगा, लेकिन स्टोन के ऊपर जो फोर्स लगता है वो हमें दिखता है कि वो नीचे की तरफ आ रहा है फोर्स के वजह से, अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, लेकिन स्टोन के वजह से अर्थ ऊपर नहीं आ रही, ऐसा क्यों? तो कि स्टूडेंट जो स्टोन है उसका मास नेग्लेजिबल है, कम है अर्थ के कंपेरिजन में, तो वो फोर्स दिखेगा नहीं, उसकी इफेक्ट नेग्लेजिबल होगी, लेकिन फोर्स लगाएगा जरूर, दोनों फोर्स लगेंगे। एक्शन फोर्स जो अर्थ लगा रहा है उसके सामने स्टोन भी क्या लगाएगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। मतलब में जो फोर्स है वो ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर, वो पेयर के फॉर्म में ही होगा, कभी भी वो इंडिविजुअल फोर्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल कि आप लोग कार में बैठे हो और आप कार से धक्का दे रहे हो। ओके, कार में बैठे हो, बैठे अंदर से धक्का दे रहे हो, तो कार मोशन नहीं करेगी, लेकिन आप बाहर से जाके धक्का दोगे कार मोशन करेगी। क्यों? क्योंकि आप हैंड से फोर्स लगा रहे हो, अर्थ आपको फोर्स लगा रहा है, आपका जो पैर है, जो आपका फुट है, वो फुट से आप अर्थ के ऊपर या तो रोड के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, और रोड आपको फोर्स दे रहा है, इसके वजह से वो फोर्स आगे बढ़ रहा है। तो मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। सिंपल एक एग्जांपल ले तो कि आप लोग सॉलिड रोड के ऊपर जल्दी जल्दी चल सकते हो, लेकिन आप मान लो कि सैंड के अंदर चल रहे हो या तो पानी के अंदर चल रहे हो, तो चलने में आपको थोड़ा दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी होती है, ऐसा क्यों? तो कि जब आप सॉलिड के ऊपर होते हो तो जितना आप एक्शन फोर्स देते हो उतना रिएक्शन फोर्स तुरंत लगता है, लेकिन जब आप वाटर के अंदर हो या तो सैंड के अंदर आप चल रहे हो, तो उस केस में एक्शन रिएक्शन का एग्जैक्ट क्रिएट नहीं होता है। ओके, इसलिए आप जल्दी जल्दी भाग नहीं सकते किसके अंदर, सैंड और वाटर के सरफेस के अंदर। क्लियर? तो और दूसरा एग्जांपल जो रॉकेट के एग्जांपल भी हम समझ सकते हैं कि रॉकेट जो लॉन्च होता है वो थ्रस्ट जो निकलता है, मतलब में जो कंबशन निकलता है, वो कंबशन के वजह से डाउनवर्ड में क्या लगता है, थ्रस्ट लगता है, उतना ही थ्रस्ट का रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। देखो यहाँ पे, ये मान लो कि आपके पास रॉकेट की बात करो, वो वाला रॉकेट जो आप रिसर्च में देखते हो, जो दिवाली पे आता है वो वाला नहीं। ओके, यहाँ से जो कंबसन निकलता है वो कंबसन से थ्रस्ट डाउनवर्ड में लगेगा अर्थ की सरफेस के ऊपर, और ये अर्थ उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स देगा, ये एक्शन फोर्स है। जो एक्शन फोर्स डाउनवर्ड में लगेगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो वो ऊपर की तरफ मोशन करेगा। ओके, ये वेरी वेरी लार्ज अमाउंट का होता है। और आपने बर्ड को भी देखा होगा, बर्ड फ्लाई होता है तो बर्ड जब अपने विंग्स से डाउनवर्ड में एयर के ऊपर क्या करता है, एक्शन फोर्स लगाता है, तो एयर भी उसके ऊपर क्या, एयर भी विंग्स के ऊपर रिएक्शन फोर्स देता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ फ्लाई होता है। ऐसे जब रिएक्शन एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, इसलिए बर्ड आगे वो बर्ड मतलब में फ्लाई कर सकता है एयर के अंदर। तो ये न्यूटन्स लॉ के कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स है। डे टू डे लाइफ में हम सभी जगह पे न्यूटन्स के थर्ड लॉ को एप्लीकेबल मतलब अप्लाई करते ही करते हैं। ओके, क्लियर? तो ये तीन जो नोट्स है वो आपको याद रखना है। अभी स्टूडेंट, फोर्स का जो डेरिवेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ का, एक्चुअली टेक्स्ट बुक में है नहीं, लेकिन आपको मैं यहाँ पे डिराइव करके देता हूँ। ओके, कि क्या है फोर्स जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स की बात कर रहे हो। स्टूडेंट मान लो कि आपके पास टू बॉडी है, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी। ओके, इनिशियल में रेस्ट पे है। अभी हम बोले
कि मैंने जो स्टेटमेंट बोला कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो मैं माइनस साइन से इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे ये प्रूव करना है, तो कैसे करूँ? देखो कि दो बॉडी यहाँ पे पहले तो कॉन्टेक्ट में आई, ओके, ए और बी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एफ ए बी इक्वल्स टू, हमें फोर्स का दूसरा फॉर्मूला भी पता है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये फॉर्मूला भी पता है। तो यहाँ पे एफ ए बी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, लेकिन फोर्स लग रहा है ए के ऊपर ड्यू टू बी, तो मोमेंटम किसका चेंज होना चाहिए? ए का, क्योंकि फोर्स लग रहा है ए के ऊपर। इसको रीड कैसे करते हैं? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ओके, तो मोमेंटम भी चेंज किसका होगा? ए का। सिमिलरली फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो वो होगा आपका डेल्टा पी बी बाई डेल्टा टी, क्लियर? ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। अभी स्टूडेंट हमें ये दोनों जो इक्वेशन है उसको हम ऐड कर दें, तो आपके पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, फोर्स ए बी प्लस फोर्स बी ए इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इसको थोड़ा स्मॉलर वर्जन में लिखे तो डी पी ए बाई डी टी, और इसको लिख सकते हैं डी पी बी बाई डी टी। तो यहाँ पे मैं डी वाला टर्म ले देता हूँ, डी पी ए प्लस डी टी, सॉरी डी पी ए बाई डी टी प्लस डी पी बी बाई डी टी, क्लियर? अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इक्वल्स टू, यहाँ पे d बाई डी टी जो डेरीवेटिव उसको कॉमन लिखते हैं, d बाई डी टी इक्वल्स टू, सॉरी d बाई डी टी इन टू पी ए प्लस पी बी इन अ ब्रैकेट, ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर? अभी देखो कि जब तक ये हम इसको सिस्टम कंसिडर करें, इसको पूरे को एक सिस्टम कंसिडर करें, इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल जो फोर्स है वो जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उस केस में क्या होगा कि सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा उसका वेलोसिटी में भी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? मोमेंटम में भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पी इक्वल्स टू एम वी होता है लेकिन फोर्स नहीं लग रहा है, ओके, एफ एक्सटर्नल जीरो है तो ए एक्सटर्नल भी जीरो होगा, एक्सटर्नल एक्सलेशन जीरो तो वी आपका क्या हो जाएगा? जीरो, ओके, तो चेंज इन मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, तो उस केस में ये वाला जो टर्म है वो जीरो, तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल्स टू जीरो, तो आप लिख सकते हो एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, ओके, जो आपका स्टेटमेंट था कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, माइनस साइन इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन। तो ये डेरिवेशन था, इतना मतलब मैं है नहीं टेक्स्ट बुक में, सिर्फ सिंप्लीफाई किया मैंने, जो आपको समझ में आना चाहिए, ओके, क्लियर? तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ था, और हमने अभी तक जो डिस्कस किया उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इम्पल्स, मोमेंटम। अभी नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स भी हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है, कॉम्पिटिटिव में भी उसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ओके स्टूडेंट? तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, फिर कुछ कॉमन फोर्स के बारे में भी बात करेंगे, ओके, थैंक यू।